क्या निखर के आई है मूर्ति बाहर। हियर इज द मूर्ति। से क्या हो गया तेरे प्यार में। शुक्रिया सारे, स्वागत आपका मेरे चली आर के में। नमस्ते सभी को। सो आज अच्छा दिन निकला है एंड अब हम जाएंगे किधर भला। आज एक्चुअली एक फंक्शन है, आप सुनो ध्यान से, पाठ चल रहा है। तो हमारी गली में ही किसी का शगन है, शादी से पहले का जो फंक्शन होता है एंड जिसमें लड़की और लड़की वालों को आगे शगन देते हैं। सो अभी तो मैं ऐसे टेम्पररी तैयार हुआ हूँ, पर थोड़ी देर बाद जाऊँगा मैं अभी। सो मैं वहाँ तो वीडियो नहीं बना सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर तैयार होकर आपको जरूर दिखाएंगे। क्योंकि यार सजता हूँ मैं कैमरे के लिए, ठीक है जी। तो अभी तैयार व्यार होके दिखाते हैं आपको कैसा लगते हैं, ठीक है जी। अभी तो मैंने ये रॉयल एनफील्ड की शर्ट पहन रखी है, सब तैयार होते हैं। चलो कैसे लग रहे हैं हम, ठीक लग रहे हैं? हाँ थोड़ा मोटापा है मालूम है, पर उसके छोड़ के ठीक लग रहे हैं। यस चलो अब हम तैयार हो गए हैं, मम्मा पापा चले गए हैं, मैं भी थोड़ी देर में आऊँगा। लेट्स गो देम। ऐसा कर तब तक अनबॉक्सिंग कर दें, अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। तो मैं फोकस में आ रहा हूँ मैं यहाँ कर लेते हैं यार, ताकि मैं दिखूँ तो सही खुद को। तो एक्चुअली क्या था, ये लॉर्ड बुद्धा जी की मूर्ति है एंड मम्मा चाहते कि दिवाली पर है, पर लेट हो गई और डांट भी पड़ी मुझे दिवाली वाले दिन। फिर चक्कर में रहूँगी ना, हमेशा लेट होंगी लेट, दिस माई मॉम सेज। सो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ इस तरह। कहाँ खुलता है ये, इतना भाई पैक किया ना इसको, तो अंदर भी गद्दे वद्दे होंगे। यानी लगभग 11 इंच की, मतलब अप्रॉक्सीमेटली फुट मान लीजिए इसको। भाई साहब एकदम सही कट मारे हैं, एकदम पता नहीं गलती से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ना, एकदम सही। और कॉमेडी याद आता आपको, बाहर फंक्शन जो हुआ है ना, और बाहर बारिश होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर हाई हो गया तो पता नहीं कैसे होगा खाने का इंतजाम हमारे आज के दोपहर खाने का इंतजाम। मतलब उस वक्त शगन वगन पर खाने का मज़ा आता था। सो ये मूर्ति मुझे पड़ी 2000 की। अगर आपको भी ये मूर्ति चाहिए तो लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनबॉक्सिंग में मुझे सेम चीज़ नहीं मिल पाती, तो मैं उसे जितनी ज़्यादा जो मोस्ट सिमिलर होता है और जिसमें सबसे ज़्यादा सही डिस्काउंट एंड ऑल पड़ रहा होता है, वो मैं डाल देता हूँ लिंक में। बाहर पेपर की पैकिंग, पेपर की जो पेपर, ये भाई साहब ये पट पट मैंने नहीं किया, ठीक है ना, मतलब मैंने किया है पर मैंने ह्यूमनली नहीं किया। ओह भाई खतरनाक मूर्ति है। वाह पैकिंग तो अच्छी की है। ओह वाह जीवा वाह जीवा, ये देखो दिखाते हैं आपको मूर्ति अच्छी है ना। एंड तुमको अच्छी तरह खोल के दिखा देता हूँ, पता नहीं खोलने देंगे मम्मा या नहीं। खोल लेते हैं ना, ऐसे फिर अच्छे कैसे लगेगा, मज़ा कैसे आएगा कि मूर्ति खोली है। चलो भाई क्या निखर के आई है मूर्ति बाहर। हियर इज द मूर्ति। या आप इसकी लेंथ, ये अराउंड 11 इंचेस की है। सो आपको बैठ के दिखाया था प्रॉपरली। इधर हो मूर्ति, गिरना नहीं, डांड नहीं खानी मुझे। हियर इज द मूर्ति। बजेगा टाइम, यस सो ये है मूर्ति प्रॉपरली। सो इसको आपको इसको ना टाइम लैप्स दिखाता हूँ आपको, बढ़िया आएगा, बढ़िया आएगा ना। चलो गिनना नहीं। When the stars align with a certain mind,
हमेशा हुआ है और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की याद करवाता है, बैंगलोर। इस कैमरे में इतनी लाइट कहाँ से आ गई भाई? ये बहुत डार्क है, बारिशों का मौसम है, हवाएं चल रही हैं, वो शायद पत्ते हिलते देख पाओ हो। और मतलब मैं अभी जा रहा हूँ खाने पीने, खा के आके फिर मिलता हूँ और बताऊँगा फिर क्या खाया। आ गया भाई, मज़ा आ गया। हमें तो चने, पनीर, दाल, मैंने तो ये डाली साथ में कुछ वो कॉर्न, कॉर्न की सब्ज़ी मुझे समझ नहीं आती, पालक कॉर्न ऐसी कोई सब्ज़ी थी, और चावल थे, पूड़ी थी, रोटी थी। तो मैंने आराम से दो रोटी एक पूड़ी खाई, चने सबसे ज़्यादा स्वाद थे भाई चने, मतलब गजब गजब होता है ना जो, गजब एक नंबर चने। उसके बाद वो खाया था मूंग दाल का हलवा, आय हाय हाय, मज़ा मज़ा मज़ा, पेट एकदम भर गया। 2:30 बजे क्लास है यार, वो क्लास लगाते हैं के बाद वीडियो, बाद में रात को वीडियो करेंगे, क्या अब तो कुछ अलग हो जाए। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो। बदनाम है कोई, एक्चुअली क्या हुआ मुझे नहीं पता कि कभी ऐसा भी एंड करना पड़ेगा मुझे कि अब आई गेस मैं शाकाहार लग रहा हूँ। ये देखो ना, ये शेडो का क्या इफेक्ट आ रहा है, ये अगर उतारूँगी मैं सही आएगी क्या, मुझे दिखना ही नहीं है। चलो ऐसे ही एंड कर देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने आज कटिंग करवानी थी, क्योंकि कल कुछ है वो हम कल बताएंगे आपको, आज नहीं। तो इसी बात पे एक्चुअली आज कटिंग करानी थी, कटिंग हो नहीं पाई। कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि कटिंग नहीं हो पाती है। सो थैंक गॉड मैंने बैटरी चार्ज कर ली टाइम पे। सो अब बैटरी चार्ज हो गई है, लाइट चली गई है, इन्वर्टर भी लिप्त हो गया, 8 घंटे से ऊपर हो गया गैस। तो हाँ वो जाता है। चलो फिर इसी बेस पे हम लोग करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।